फिलहाल एसजेएक्स निफ्टी जो है वो 7.5 अंकों के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स आर मिलिटरी ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग का अनुमान आप लगा के चलें। लेकिन कल के सत्र में बसिंग स्पेस था एफएमसीजी, यहां पर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसमें बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली पार्टिसिपेशन होता हुआ नजर आया। एफएमसीजी स्पेस सुब्रा अभी क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये जो डाबर आईटीसी एचयूएल क्या अभी एक्सपायरी से पहले अभी और एक्टिव होते हुए नजर आते हैं आपको? मुझे ब्रॉडली आई थिंक इस स्पेस में अभी भी काफ़ी बाइंग आने की संभावना है, और खास करके क्योंकि मार्केट में जहाँ पर ऑलरेडी इतनी बढ़त आ चुकी है और हाई बीटा काउंटर्स जहाँ पर इतनी अच्छी जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस की है, उस लिहाज से हो सकता है यहाँ पर एक मुनाफा वसूली उस हाई बीटा काउंटर्स में और डिफेंसिव में शिफ्ट होए। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि शायद आईटीसी ये काफ़ी एक अगर आप देखें तो अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिली है, 245-50 के आसपास अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, और मेरा मानना है कि चलिए 265 तक जाने की पूरी संभावना है। और दूसरा जो हाँ हमारा पसंदीदा काउंटर ये है टाटा ग्लोबल, जहाँ पर ऑफ कोर्स एक अंडर परफॉर्मर ब्रॉडली रही है, लेकिन हमारा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं 135-136 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है, तो एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है, तो एक मॉडेस्ट टारगेट 148 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। तो ब्रॉडली आई थिंक ये दो काउंटर पे कॉन्सेंट्रेट की जा सकती है और आई थिंक इस स्पेस पे एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। जी चलिए खबरों वाले शेयर्स में ही कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आज न्यूज फ्लो है। एक तो हिंदुस्तान कॉपर का, हालांकि कल मार्केट क्लोज होते होते नतीजे आए थे लेकिन उन नतीजों का असर आज भी दिख सकता है। कल एकाएक नीचे आया था ये आफ्टर अर्निंग्स, क्योंकि कंपनी जो है नेगेटिवली टर्न अराउंड हुआ है, मुनाफे से घाटे में आई है और 20 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 3 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी को। एबिटा में भी हमने 80% का ड्रॉप देखा था जब ये कल नंबर्स आए, तो शायद वीकनेस आज भी स्ट्रेच हो इस शेयर में। एक इनफाइनाइट कंप्यूटर्स पर आप नजर रखकर चल सकते हैं, 2 दिनों में एक अच्छा मूव दिया है स्टॉक ने। कल बोर्ड बैठक है जहां पर स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के इश्यूएंस को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। कल स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई थी स्टॉक में, 9% के उछाल के साथ शेयर बंद भी हुआ था। एक आप देखिए हेल्थ ग्लोबल, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 3% हिस्सेदारी खरीदी है बल्क डील के जरिए और 210 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो हेल्थ केयर ग्लोबल भी 3% चलकर कल बंद हुआ था, लेकिन आज भी एक एक्सटेंडेड मूव आ सकता है। एक फटाफट से आप देख लीजिए नेस्ले के शेयर को, स्पेशल फूड सप्लीमेंट इंपोर्ट करने के लिए मंजूरी मिल सकती है, एफएसएसएआई ये मंजूरी दे सकता है, तो नेस्ले पर भी पॉजिटिव खबर। और नेस्ले हमने देखा भी था कि मैगी बैन के बाद जो कमजोरी स्टॉक में आई थी उस कमजोरी से अब ये पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और अपने प्री मैगी बैन लेवल्स पर भी आ चुका है, इनफैक्ट उसके बियॉन्ड भी जाने की कोशिश कर रहा है। अविनाश, जिन स्टॉक्स पर भी खबरें हैं, फिर चाहे वो हेल्थ केयर ग्लोबल हो, नेस्ले हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, कोई स्टॉक आपके रडार पर है? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो नेस्ले के लिए है, क्योंकि मैगी के डिबैकल के बाद जिस प्रकार से मार्केट्स ने इन्होंने रीबाउंस करके अपना मार्केट शेयर रिगेन किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छी तरह से आएगा। इनफैक्ट ये काफ़ी प्रॉफिटेबल सेगमेंट है और हमने देखा था कि प्रीवियस 1-2 क्वार्टर्स में इसका कंट्रीब्यूशन कम होने के कारण मार्जिन में थोड़ा दबाव था, तो ये पॉजिटिवली कंपनी को बेनिफिट करेगा। रही बात हिंदुस्तान कॉपर की, तो हमको लग रहा है कि इस प्रकार के नतीजे आए हैं तो डेफिनेटली इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आज देखने को मिले और यहाँ पर बिकवाली का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, तो में डेफिनेटली कोई भी गिरावट आती है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। रेलवे स्टॉक्स बस कर रहे थे कल के मार्केट पे, टीटागर टेक्स मैको कालंदी जैसे स्टॉक्स, और टीटागर वैगन पे तो आज खबर भी है कि टीटागर एग्रीको जो है वो अब होली ओन्ड सब्सिडियरी बन गई है, इन्होंने 11.27 लाख शेयर्स खरीदे हैं उसके, तो अब वो उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी बनी है। और कल के सत्र में टीटागर टेक्स मैको कालंदी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था। सुब्रा, आपके रडार पर है कोई इनमें से स्टॉक? रजत, फिलहाल हमारी इस स्पेस पे ध्यान नहीं है तो कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली पार्टिसिपेशन कल रेलवे स्टॉक्स में, और इनफैक्ट ये जो थे दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब बंद होते नजर आए, तो आज भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे। लेकिन अब ऐसा कौन सा स्टॉक है जहां पर आपको फोकस करना है, जहां पर टेक्निकल्स और फंडामेंटल स्ट्रांगली शेपअप हो रहे हैं और जो आज के मार्केट्स पे स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करेगा, वो देखते हैं आज का टुडेज ट्रेड। आज जिम्मेदारी दीपाली की है, दीपाली बताएंगे कि ऐसा ट्रेड जहां पर अच्छी पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बताएं दीपाली। शुक्रिया रजत, कंपटीशन टफ है क्योंकि कल जो आपने स्टॉक बताया था उसने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था डीसीडब्ल्यू के,
तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंज है, लेकिन जो स्टॉक पिक किया गया है आज टुडे ट्रेड में वो है डीसीएम श्रीराम का। अब कई सारी वजह है स्टॉक को पिक करने की। पहली चीज तो ये कि शुगर स्पेस को कंपनी बिलोंग करती है और शुगर सेक्टर में बीते दो दिनों में हमने काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी है। डीसीएम श्रीराम एग्री और चीनी कारोबार की कंपनी है। सबसे पहले फंडामेंटल्स आपको बता देते हैं। जो पहले क्वार्टर के नतीजे आए हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं हर पैरामीटर पर। ऑपरेटिंग मुनाफा सिक्वेंशियल बेसिस पर कंपनी का दोगुना हुआ है। वहीं अगर सालाना आधार पर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 33% का उछाल आया है। और बीते एक साल में हमने देखा है कि कंपनी ने जो अपनी ब्याज लागत है वो भी काफी तेजी से कम की है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर आप अलग अलग बिजनेसेस की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बायोसीड्स को या फिर फार्म बिजनेस को हटा दें तो बाकी सारे बिजनेस ने रिकॉर्ड ग्रोथ इस क्वार्टर में पोस्ट की है। और एक अच्छी बात यह भी है कि ऑलरेडी जो यूपी शुगर मिल्स है उन पर अभी भी जो शुगर केन एरियर्स का पेमेंट का जो दबाव बना हुआ है उस दबाव से कंपनी बाहर आ चुकी है। और पहली यूपी शुगर मिल ये है जिसने अपने सारे एरियर्स पे कर दिए हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने सैप तय किया था उसके प्राइस पर। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अब बात करें टेक्निकल्स की, तो आप देखिए बीते एक महीने में ये स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रहा है, एक रेंज में इसने कामकाज किया है, लेकिन तीन महीने या फिर छह महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहा है और 100% से ज्यादा के रिटर्न महज छह महीने में अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। आज ये परफॉर्म क्यों कर सकता है? परफॉर्म इसलिए कर सकता है क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा कि अच्छी खरीदारी स्टॉक में दिखी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और जो पांच दिनों की गिरावट थी उसको ओवरकम करते हुए कल स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया, 50 डेमा से एक मजबूत पुलबैक लिया। आप देखिए कल दिन के उच्चतम स्तरों पर भी बंद हुआ। तो अच्छे अर्निंग्स हैं, फंडामेंटल्स कंपनी के काफी सुधरे हैं, ऊपर से कल का जो बाउंस बैक मिला है पांच सेशन की गिरावट के बाद वो अब और स्ट्रेच हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई नजर आ रही है। 245 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है, उन तक अप्रोच करने की कोशिश ये कर सकता है। तो खरीदारी कर सकते हैं आज के सेशन में आप। डीसीएम श्रीराम पर कल 2.5% बढ़ा था लेकिन और मजबूती यहां से ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो आज का टू डेज ट्रेड है डीसीएम श्रीराम, जहां पर लॉन्ग जाने की सलाह दी जा रही है 232 के लक्ष्य के लिए। चलिए डीसीएम श्रीराम पे नजर रखें, आज 232 तक पहुंच सकते हैं, 216 का स्टॉप लॉस। विवेक इनफैक्ट मैं आपके पास आना चाहूंगा, शुगर स्पेस एग्री स्पेस, इनफैक्ट एग्री स्टॉक्स में काफी स्ट्रांगली कल के सत्र में भी पार्टिसिपेशन था, आपके रडार पर है कोई? क्योंकि अब अगला बड़ा ट्रिगर जो है वो मानसून के आंकड़े ही हैं बाजार के लिए और वो अभी तक के हिसाब से तो बेहतर ही हैं, लेकिन फर्टिलाइजर शुगर एग्री यहां पर कोई ऐसा सेक्टर जो आप मानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक्चुअली जस्ट स्टॉक आप अभी डिस्कस कर रहे थे डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड, दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द रडार एज फार एज वी आर कंसर्न। आपने इसमें दो चीज और मेंशन नहीं की, वन इज दे आर डूइंग वेरी वेल ऑन द कॉस्टिक सोडा फ्रंट, उसका जो कैपेक्स साइकिल है इट इज वर्चुअली कमिंग टू एन एंड, पार्ट कैपेक्स विल बी गोइंग ऑन हैज गॉन ऑन स्ट्रीम इन Q1, पार्ट कैपेक्स इन Q2 ऑन कॉस्टिक सोडा फ्रंट, सो दैट शुड अगेन सपोर्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। नॉट ओनली दैट, यस्टरडे देयर वाज़ न्यूज in the marketplace that anti-dumping duty on caustic soda from China Taipei has been extended beyond 1 year. That should again support the performance. So that continues to be our favorite stock. We believe this stock has upside potential of 20-25% from the current level. So that is top on the radar. तो थम्स अप डीसीएम श्रीराम को दिया है विवेक ने भी, और इन स्तरों से भी 20-25% के अपसाइड वो देख रहे हैं। जो ट्रिगर मैंने मिस कर दिया था वो उन्होंने मेंशन किया कि कॉस्टिक सोडा पर जो एंटिंग डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड हुई है वो भी डेफिनेटली फायदा पहुंचाएगी डीसीएम श्रीराम को। तो आज का टुडे ट्रेड डीसीएम श्रीराम 220 पर कल बंद हुआ लेकिन मजबूती आज के सेशन में दिख सकती है। सुब्रा, आज के लिए कोई ट्रेडिंग आइडियाज आपने निकाले हैं? दो स्टॉक्स जो आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही। जी दीपाली, आई थिंक जहाँ तक आज का ट्रेड का सवाल है, एक एनसीसी जो वायदा कारोबार में है और ये काफ़ी कंसोलिडेशन पे लास्ट छः महीने से ऑलमोस्ट एक 75 और 82 के बीच में ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन लास्ट वीक हमने इसमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखी है और हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक नियर टर्म अपसेट डेफिनेटली आने, कल की मार्केट में कल की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत यहाँ पर नरमी आई थी, लेकिन हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर बढ़त आने की पूरी संभावना है। एक मॉडस्ट टारगेट पकड़ के चलते 89 का और यहाँ पर स्टॉप लॉस 83 रिकमेंड करते हैं। और दो सेल रिकमेंडेशन ACC, जहाँ पर हमने लगातार लास्ट दो सेशन से नरमी और ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग वगैरह देख रहे हैं, हमारा मानना है कि शायद ये ग्रेजुअली एक 1600 का लक्ष्य आ सकता है और एक स्टॉप लॉस 1700 रख सकते हैं। और तीसरा टाटा मोटर, जहां पर कहीं ना कहीं 510 के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आने की आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद यहां पर भी इक्वली की जा सकती है 490 का टारगेट और 513 का स्टॉप लॉस।